का तस्करा है, ये सारी बातें बताकर हमने उनको यहाँ तक लाया। तो सबसे पहले इसका सहरा, इसकी दुआएं बस्ती के नौजवानों को जाती है। तो चलते हुए रास्ते तक वहाँ गए हमारे बोलने पर, रास्ता उनका अलग था, उसके बावजूद उन्होंने दर्द था ताकि उनका सच्चा तो यहाँ पर पहुंचे, सच्चे दर्द की वजह से, वरना वो हाईवे से नीचे कहीं भी उतरते नहीं है। अब हम उनके साथ उनके बोलने के अनुसार से बेहतरीन सलूक मेहमान नवाजी का ये करेंगे कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी उनको मिलना चाहते हैं, उनकी भी तमन्ना है। तो जवाब धीर न करें, पहले बुजुर्गों को मिलने दें, फिर नौजवान उनके साथ हम चलते जाएंगे टिमोली तक, और जरा भी भीड़ भाड़ करें, उनका वक्त यहाँ पर ज़ाय करें। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मालदार घराने से ताल्लुक रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ अपने तौर पर सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन अल्लाह अल्लाह के लिए मेरा मिलना ये बात मुझे मुश्ताक भाई ने बताई, माइक पर बताने की नहीं है, लेकिन एक नौजवान ने माइक पर बता दी, जवानों के लिए खास कर दी। देखिए वो कुछ बोलते रहे, उन्होंने कुछ बोलने के लिए कह रहा था, उन्होंने आज तक कहीं भी कुछ बात नहीं की है। उन्होंने कहा आप हमारी तरफ से प्रसन्न हुआ तो सबको बिठा के और इंशाल्लाह हम सब प्रसन्न करेंगे, और वो सलाम करेंगे, हम सब उनको जवाब देंगे इंशाल्लाह। अगर तैयार होते हैं तो अल्लाह जब उनको हाजिर करा के पास पैदल हाजिर, तो हमारे सलाम के जवाब देने जाइए। उनके सफर का जो काफिला उसके लिए भी दुआ कीजिए, उन काफिले में से मुश्ताक भाई ने भी कहा साथ दिया और उन्होंने हमारी मरकजी मस्जिद इलाके की जामा सुल्तान यहाँ पर उनको आने का मौका दिया, हमें इसके पास में मौका दिया, हम उस तरह का बहुत शुक्रिया करते हैं। देखिए नौजवानों से फिर आखिरी बार वापस करना, आपने अल्हम्दुलिल्लाह इतना अहम काम किया, उनका वक्त ज़ाहिर करते थे, उन्हें यहाँ से टिमोली जाने के लिए रास्ते की तरफी बना कर हमारे नौजवानों को इसे तोहफे नसीब फरमा, आसान रास्ते फरमा, उनके रिश्ते के दरवाजे खुलने के फैसले पर फरमा, इस नौजवान को आसानी से सफर हज पार करने की ताकत नसीब, बीमारियों से उसकी हिफाजत फरमा, सफर के हादसा से उसकी हिफाजत फरमा, नजर रास्ते हिफाजत फरमा, दर के रास्ते पर सफर में चलते हुए हज किए, उसके जो जो तमन्ना है नौजवानों की, इस बस्ती की, इस गाँव की, इस मरकज की, इस मस्जिद की,
मेरी तामीर की अल्लाह जो जरूरतें हैं एक बात पर वर्दिकार उनके दुआओं में हमें शामिल करके दुआ फरमा। अल्लाह इस इलाके को सैलाबी हालात से महफूज फरमा। अल्लाह इस हाजी की दुआ को उसके इन अल्फाज को कबूल फरमा। ऐसे आफतों से इस इलाके की पूरे इलाके की हमारे पूरी कौम की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो भी बकरे मांगा है और जो मांग रहे हैं, जो मांगने की तमन्ना है, जो मजबे की तमन्ना है, पाक परवरदिगार पूरा फरमा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो यहाँ तक ये पहुँचे हैं और यहाँ से जो निकलेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे पास से उनको कोई भी तकलीफ नहीं हो, उन्हें माफ करना और उनके दिलों से हमारे हवाएं निकलना आजाद। अल्लाह हमारे दुआओं को मन सब के लुत्फ करम से